Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have poem Faith, A Legend of Northland, and we are going to complete this poem. As we have discussed in the first part, dear student, this is a simple poem with a moral. It teaches us that we should not be greedy and we must help the poor and hungry. And this story is occurred in Northland, जिसको न्यूजीलैंड हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटली, वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट लार्ज. जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर डेज छोटे थे और नाइट बड़ी होती थी. तो लेट्स हैव ए क्विक रीजन. आगे जाने से पहले एक छोटा सा रिविजन हम लोग ले लेते हैं. क्या कहते हैं, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. ये स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू पोएट कीट्स ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, कहाँ पर, नॉर्थलैंड मीन्स न्यूजीलैंड में. वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन है डियर स्टूडेंट, दिन का जो घंटे होते थे वो फ्यू होते थे, कम होते थे. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, जो नाइट्स होती थी डियर स्टूडेंट, ये क्या होती थी, इट्स सो लॉन्ग इन द विंटर, विंटर में बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी. ओके, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम ब्रॉड, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम ब्रॉड. और इस तरह से क्या होता था, वैन द पीपल वुड नॉट बी एबल टू स्लीप, जब वो लोग अच्छे से नहीं सो पाते थे, तो देर यूज टू बी लॉट्स ऑफ स्टोरी, बहुत सी कहानियां हुआ करती थी जो वो लोग अपने बच्चों को सुनाते थे. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर्स, कहानी कैसे डियर स्टूडेंट, वैन न्यूजीलैंड की हम बात करें, इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर, वैन द स्नो फॉल पीपल गो फॉर द, जब स्नो फॉल होता था लोग कैसे जाते थे, गो फॉर द स्लेजिंग. स्लेजिंग हम पढ़ने वाले हैं, एक कार्ट होती है जिसको आइस पर यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा सेंटा क्लॉज लेकर आता है, जिसको रेनडियर्स जो होते हैं, जो हिरन होते हैं, वो पुल कर रहे होते हैं. तो वही यहाँ पे बताता है कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर, की जहाँ पर दे हार्नेस, यहाँ पे मीनिंग क्या था, फास्टर टू द, फास्टन टू द कार, गाड़ी को बांधते थे किससे, स्विफ्ट रेनडियर्स, रेनडियर एक काइंड ऑफ डियर से, टू द स्लैज, स्लैज हमें पता लगा अ कार्ट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आइस पर, व्हेन इट स्नो, जैसे वहां पर बर्फबारी होती थी. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कबोर्ड, डियर स्टूडेंट जो बच्चे होते थे वो कैसे नजर आते थे, दे लुक लाइक अ बियर्स कब, वो बियर की तरह, बियर्स के बच्चे की तरह नजर आते थे, बिकॉज दे यूज टू पुट ऑन फनी, क्योंकि जब वो पहनते थे फनी दिखने वाले फरी कवर्ड विद फर क्लॉथ, जो वुलन क्लॉथ होते थे, जो बड़े बड़े जैकेट्स वो पहनते थे, तो वो कैसे नजर आते थे, दे लुक लाइक बियर्स कब. They tell them a curious story. और इस तरह से डियर स्टूडेंट जो पेरेंट्स थे, द पीपल ऑफ देयर यूज टू टेल, वो उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे, क्यूरियस स्टोरीज. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट का मानना है कि मैं नहीं मानता कि जो कहानियां सुनाई जाती थी वो सच थी. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, बट देर वॉज ए वेरी गुड थिंग इन दोज स्टोरी, एक अच्छी बात क्या थी बच्चों उन कहानियों में, कि यू मे लर्न अ लेसन, कि आप उनसे एक लेसन लर्न कर सकते थे, यू मे हैव ए मोरल, आपको वहां से एक मोरल मिल जाता था. इफ आई टेल दैट टेल टू यू, और अगर मैं आपको वह कहानी बताऊं, आई होप दैट यू वुड एंजॉय, और आप एंजॉय करेंगे और आप सीखेंगे एक मोरल. सो डियर स्टूडेंट हियर स्टार्ट द स्टोरी, यहाँ पर वो स्टोरी स्टार्ट होती है जिसके बारे में हमने बात किया था, क्या दैट दिस इज ए सिंपल पोएम विद ए मोरल, एक अच्छी सी पोएम है जो एक मोरल रखती है. इट टीचेज अस दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, और जब भी मौका मिले वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड हंग्री पर्सन. तो लेट्स स्टार्ट. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जो पैगंबर था, जो मैसेंजर था गुड का, सेंट पीटर, ही यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड बिलो, वह भी पृथ्वी पर ही रहता था हमारे साथ में. एंड वॉकड अबाउट इट्स प्रीचिंग, और स्टूडेंट वो क्या करता रहता था, ही यूज्ड टू वॉक हियर एंड देयर, यहाँ वहां पर घूमता रहता था अपनी उपदेश देता हुआ. प्रीचिंग, प्रीचिंग का क्या मीनिंग देखा है, गिविंग सरमन, उपदेश देना. जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि वह ऐसा करता था हम सब लोग जानते हैं. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वह एक कॉटेज के दरवाजे पर आता है बच्चों. एंड इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो ट्रेवल कर रहा था, वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, जहां पर उसने क्या देखा, देयर वाज अ लिटिल वुमेन, जो क्या बना रही थी, हु वाज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हैराथ, और उन सबको क्या कर रही थी, बेक कर रही थी ऑन द हैराथ, जो हैराथ यहाँ पर क्या है, फायर प्लेस, जैसे कि ओवन होता है, तो वहां पर उन्हें बेक किया जा रहा था. एंड बींग फेंट विद फास्टनिंग, जो हमारे सेंट पीटर थे, ही वॉज becoming, पूरा दिन घूमने के कारण he was becoming weak and fasting, the student, he has not taken, ज्यादा खाना नहीं खाया था, he was having fast, तो इस तरह से he was feeling a bit weak.
फोर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और जैसे कि जो दिन था इट वॉज ऑलमोस्ट गोन, वह चला गया था, रात होने वाली थी. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उसने उससे पूछा दैट इफ सी कुड गिव हिम अ केक, क्या क्या वैसे कुछ केक दे सकती है अपने स्टोर से. टू गिव हिम अ सिंगल वन, और ही उसने रिक्वेस्ट किया कि उसे एक केक दे दिया जाए. डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वैन द लेडी सा, जब उसने देखा कि देर इज एन ओल्ड मैन जो उससे केक मांग रहा है, सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे वो क्या करने लगी, एज सी स्टार्ट इट, जैसे उसने इसे बेक करने के लिए रखा, सी लुक एट इट, उसने उसे बड़े ध्यान से देखा. इट रेफर टू द डव, जो वो मिट्टी जो आटा ले रही थी, क्या करने के लिए, केक बनाने के लिए. एंड थॉट इट सीम्स, और अकॉर्डिंग टू लेडी, जो लेडी थी उसके अकॉर्डिंग उसने सोचा, इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, कि जो केक है वो बहुत ज्यादा बड़ा है टू गिव अवे किसी को चैरिटी में देने के लिए. मीन्स वी नो दैट हर सी वॉज अ वेरी ग्रीडी लेडी, तो उसने जैसे ही आटे को बेक करने के लिए रखा, सी थॉट दैट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये थोड़ा बड़ा है क्या करने के लिए, देने के लिए. देयर फोर सी नीडेड अनदर, और इस तरह से डियर स्टूडेंट सी पुट दैट, उसने अलग रखा असाइड, एंड देयर सी नीडेड अनदर, उसने दूसरा, नीडेड हम लोग बात करते हैं प्रेस्ड एंड स्ट्रेच, गूंदना, उसने दूसरा आटा लिया और उससे थोड़ा स्मॉल साइज का, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, उससे और थोड़ा स्मॉल साइज का आटा लिया, एंड सी स्टार्टेड मेकिंग अनदर पीस. बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही उसने देखा, इट लुक यह भी When she turned it over, जब उसने इसे पलटा, as large as the first had done, यह भी इतना ही बड़ा उसे नजर आ रहा था जितना पहले वाला था, first had done. Then she took a teeny scrap of a dough. Dear student, उसने क्या किया, उसने दूसरी बार भी सोचा कि यह इतना बड़ा केक मैं कैसे चैरिटी दे दूं, कैसे मैं इसे सेंट को दे दूं, तो उसने उसे भी रख दिया. और तीसरी बार she tried to make very thin, बिल्कुल पतला सा केक उसने बनाने के लिए रखा. देन सी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डॉग, उसने क्या लिया, देन सी टुक, उसने लिया अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ डव फ्लोर, का छोटा सा आटे का टुकड़ा उसने लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे क्या करने लगी, रोल करने लगी इट फ्लैट, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेपर. और डियर स्टूडेंट, इन दिस वे थर्ड टाइम जो लेडी थी उसने क्या किया, उसने बेक किया, बनाया इतना पतला केक जितना कि क्या होता है, वेफर होता है, वेफर वी कैन सी थिन ब्रेड, एक पतला ब्रेड. बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो क्या नहीं कर पाई, डियर स्टूडेंट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, वह उसे भी पार्ट विद गिव टू समवन एल्स, सी कुड नॉट गिव इट टू समवन एल्स, वह उसे भी जो सेंट पीटर थे उसे नहीं दे पाए. और क्या कहा, फोर सी सैड, उसने बोला माय केक दैट सीम्स टू स्मॉल, कि मेरा जो केक है हो सकता है इट सीम्स स्मॉल टू यू, ये तुम्हें स्मॉल नजर आ रहा हो, बट इट इज नॉट सो स्मॉल दैट आई कैन गिव इट टू यू, कि मैं इसे दे दूँ. When I eat of them myself, कि जैसे ही मैं क्या करती हूँ, अपने आप अपने केक्स को खाती हूँ, are yet too large to give away, कि ये इतने बड़ा मुझे नजर आता है that I cannot give it to anyone, means no matter यह पतला है, but यह पतला बेशक हो, but यह किसी को देने के लिए नहीं है. She was really greedy, बहुत लालची थी, तो उसने क्या किया, so she put them on the shelf, उसने उस केक को भी सेल्फ पर रख दिया. Then गोट सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और डियर स्टूडेंट जैसे ही ऐसा हुआ क्या होता है, जो गुड सेंट पीटर था, जो सेंट पीटर वॉज द पैगंबर ऑफ गॉड, वह बड़े ही ग्रू एंग्री, बहुत गुस्से में हुआ. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, बिकॉज ही वॉज फीलिंग हंग्री, वह भूखा भी था बिकॉज ऑफ फास्टिंग, एंड ही वॉज फीलिंग वीक, और भूख की वजह से वो फेंट वीक भी महसूस कर रहा था. एंड श्योरली सच ए वुमैन, और डियर स्टूडेंट उसने देखा कि निश्चित रूप से सच ए वुमैन, इस तरह की जो लेडी है, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, द बिहेव दैट सी हैज डन, जिस तरीके से उसने बिहेव किया है, इट वाज इनफ दैट सी मेक समवन एंग्री, उसने गुस्सा दिला दिया था किसको, जो सेंट पीटर था, सी मेड हिम एंग्री, उसने उसे गुस्सा दिला दिया. एंड ही सैड, और इन दिस वे अपने गुस्से में जो सेंट पीटरसन थे उन्होंने क्या कहा, ही सैड
यू आर फार टू सेल्फिश कि लेडी यू आर फार टू सेल्फिश दैट यू आर वेरी वेरी सेल्फिश, तुम बहुत ज्यादा लालची और मतलबी हो. इट मीन्स यू कैन नॉट, यू आर नॉट वर्थी, तुम नहीं हो लायक क्या करने के, टू ड्वेल टू लिव इन ए ह्यूमन फॉर्म, दैट यू आर सो मच सेल्फिश एंड ग्रीडी दैट यू डोंट डिजर्व टू लिव ऑन, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो रहने के लिए इन एन ह्यूमन फॉर्म, एक ह्यूमन फॉर्म में लाइक अ ह्यूमन बींग, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर. यू डोंट डिजर्व टू हैव फूड एंड शेल्टर, ना ही तुम खाना रखने के लायक हो ना ही शेल्टर रखने के लायक. इट मीन्स यू आर टू सेल्फिश दैट यू कैन नॉट हैव फूड एंड शेल्टर, तुम्हें खाना और शेल्टर भी नहीं मिलना चाहिए. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और इससे ज्यादा क्या बोलूं, यू आर टू सेल्फिश टू कीप फायर टू यू आर, तुम इतनी मतलबी हो कि तुम क्या नहीं कर सकती हो, तुम्हें फायर की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो क्या करना है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड टू डू बर्ड्स डू. और इन दिस वे स्टूडेंट जो सेंट पीटर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे कर्स्ड हिम, उन्होंने इसे अभिशाप दिया कि वो क्या करने वाली है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम अपना घर, यू शैल बिल्ड योर हाउस एज द बर्ड डू, तुम ऐसे ही अपना घर बनाओगी जैसे कि बर्ड्स बनाती हैं. एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और तुम प्राप्त करोगी अपना स्केंटी वेरी लिटिल फूड, बहुत कम खाना, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. डियर स्टूडेंट बोरिंग 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 जो वर्ड है, मेकिंग होल्स, छेद बना बना कर, ये इट मीन्स दैट वॉज ए कर्स जो दिया गया किसके द्वारा, सेंट पीटर के द्वारा, कि आज के बाद यू विल बी ए बर्ड, तुम एक बर्ड बनोगी. एंड यू विल मेक योर हाउस, आप बर्ड की तरह अपना घर खुद बनाओगी, और आपको थोड़ा बहुत खाना कब मिलेगा, जब आप पूरा दिन मेकिंग होल्स, जब आप ट्री में पूरा दिन होल्स बनाते रहोगे. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन किसमें, स्ट्रिक्ट जो मोटी हार्ड ड्राई वुड जो सूखी लकड़ी है. इट मीन्स जो हमारे सेंट पीटर थे उन्होंने उसे किसमें बदल दिया, वुड पैकर. ये स्टूडेंट वुड पैकर समझते हैं, एक काइंड ऑफ बर्ड जिसको हम कठफोड़ा भी बोलते हैं, जो पेड़ों को क्या करता रहता है, मेकिंग होल्स, होल्स बनाता रहता है अपना थोड़ा बहुत खाना प्राप्त करने के लिए. देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और तभी क्या हुआ, वो जो चिमनी थी उसके माध्यम से सी वेंट, वह ऊपर चली जाती है. एंड नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और कुछ भी नहीं बोलती. एंड आउट ऑफ द टॉप ऑफ ए वुड ऑफ टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और तभी देखते हैं क्या, आउट ऑफ द टॉप ऑफ द हट उस कॉटेज के ऊपर से उड़ता है एक वुडपेकर, वही एक काइंड ऑफ बर्ड जो वह बन जाती है. फॉर सी वर चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि उसे बदल दिया गया था किसमें, सेंट पीटर के कर्स की वजह से वह बन गई थी एक चिड़िया, अ बर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं कट फौड़ा. स्टूडेंट सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर क्या थी, व्हेन सी वाज ए लेडी सी वाज हैविंग ए ब्राइट रेड कलर कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और उस रेड कलर की जो कैप को बिल्कुल क्या रखा गया, सेम रखा गया एज वी कैन सी, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वर बर्न, जैसे वो चिमनी से निकली उसके सभी जो कपड़े थे वो क्या हो गए थे, वो जल गए थे. एंड सी बिकेम एज ब्लैक एज कोयल इन द फ्लेम, और जो फ्लेम थी, जो आग थी, वह उसमें इतनी काय ब्लैक हो गई थी जैसे कि कोयल कोयला होता है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और स्टूडेंट इस तरह से हर एक देश के स्कूल में जाने वाले बच्चे हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने देखा है उसे जंगलों में, यानी कि आज भी जब भी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कहीं पे भी वुड पैकर बर्ड हमें नजर आता है. वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, वह आज भी रहती है उन पेड़ों में, दिस वेरी डे आज भी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और जो क्या करती रहती है, सी ऑलवेज कीप बोरिंग एंड बोरिंग, वह बोरिंग करती रहती है, मीन्स होल बनाती रहती है, खोदती रहती है अपने छोटे से खाने के लिए. सो द स्टूडेंट इन दिस वे फोर्ब्स कैरी जो थे उन्होंने इस बहुत अच्छी पोएम को आपके सामने रखा, दैट वॉज हैविंग ए मॉरल, जो एक मॉरल रख रही थी क्या, दिस इज ए सिंपल पोएम विद ए मॉरल दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड हंग्री वेन एवर इट रिक्वायर्स. द स्टूडेंट आई विल सेंड यू द असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस, होप यू विल कंप्लीट इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.